राजस्थान के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीन कुड़कनी होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उतना बेस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शांत देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ जब फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई, ये हिंसा क्यों भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए, उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कनेरा की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप हमारा विज्ञापन देखिए, सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सेल ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई 23 के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने, हमने एसएमबली डायर किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया, कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में, भाई और बहनों अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके, हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो गुजरातियां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है, भाई और बहनों गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा, बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासु दूर नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। सवाल ये है, अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे, ये भविष्यवक्ता है क्या, खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चुनाव चलते हुए, किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी,
जो घर घर पहुंच गई है और मुझे कहते हो घर है, तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग टच कर लिया, 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। हम सब लेके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हम सब एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लाल डाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा हुआ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को, तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी, तो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी कौन सी लाल डायरी, ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की। ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो, छापे डाल दिए पीसी बहन के घर पे, 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको, उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पर जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। एमआरसी कैंप लगे थे तो 2 महीने में करीब 1.80 करोड़ परिवार आए थे और अभी 27 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। ये जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ ये विज्ञापन देते हैं रेप का, मैं पूछना चाहता हूँ अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री खुद के कॉन्शियस के अंदर लड़के गए, लड़की को एक तरफ ले गए, कपड़े उतार दिए उसके, क्या क्या मिसबिहेव किया होगा बच्ची के साथ में कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा ही नहीं है। जो घटना देश में हो रही है, चाहे वो रेस्लर की हो, रेस्लर की घटनाओं में हिले ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, इतना महंगा आरोप लगा मेंबर पार्लियामेंट पर, परवाह नहीं करी उसकी। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया उस लड़की को, कौन सा क्षेत्र था, हाथरस के अंदर, वो एक मार्मिक घटना है देश की। उसके माँ बाप को मूंद ही देखना दिया लड़की का, लाए दिल्ली से दाह संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से कवर करने के लिए, अरेस्ट कर लिया रस्ते के अंदर, 1.5 साल तक जेल में रहा वो, 10 साल तक। ये घटना हमें आपको मालूम है, बाकी क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक प्रेस नोट बांट देंगे आपको बाद में, खाली मैं आपको चंद बातें कहना चाहूंगा कि जिस रूप में इनके पास ना मुद्दे हैं ना प्रचार की रूपरेखा है, रोज कैंपेन बदलते हैं, उस पर आते नहीं है। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं और खाली भड़काने वाली भाषण देके चले जाते हैं। जब हमने महंगे रात में गांधी शब्द काम लिया था तो प्रधानमंत्री ने भला बुरा कहा, वो खुद ही गांधी बन रहे हैं। जनता जानती है 10 गांधी उन्होंने पूरी की है, इम्प्लीमेंट कर दी,
यदि 7 गांडे विश्वास जनता का हमारे ऊपर है। घर घर के अंदर चर्चा है, कोई भी राजस्थान में आपको नहीं कहेगा सरकार के विरोध में कोई एंटी इंकमेंसी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है, सरकार किसी पार्टी की हो एंटी इंकमेंसी पैदा होती होती है। पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर जहां पर किसी प्रकार की एंटी इंकमेंसी नहीं है। केरला के अंदर कोविड में अच्छा काम करने सरकार अगर रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोविड में शानदार काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया और बाकी इसकी में इतनी लाए हम लेके आए, रोज बता रहे हैं आपको हम लोग, यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी। अवश्य सरकार रिपीट होने जा रही है। इस बार कई क्षेत्र ऐसे जीतेंगे जो आज तक कभी नहीं जीते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको लोग देख के उत्साहित हैं राजस्थान के अंदर, और बीजेपी घोषणा पत्र देख के निराश हुए हैं। मैंने कहा था होमवर्क पूरा नहीं किया, हमारी स्कीमों को ही ग्राफ आगे लिख दिया। इनको बहुत सारी बातों दिक्कत है, चिरंजीव से दिक्कत इनको है, अन्नपूर्णा राशन किट से दिक्कत है, फिर बिजली से दिक्कत है इनको, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से दिक्कत है, नए जिले बना दिए उससे इनको दिक्कत है, ओपीए से दिक्कत है। रात में बदनामी भी हो रही है इनके विज्ञापनों से, इतना मैं कह सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनके इनको सबक सिखाएगी, जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पाटिल को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पाटिल की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को, और गुजर समाज इस बात को भली बात जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं जिसमें हमारे बीजेपी के लोग है ही हैं, जो राजेश पाटिल को लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, घर्षणा में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है, 22 कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे, 12 दिन से लाशें पड़ी रही थी। और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी पर बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने, हमने प्यार से भाईचारे समझाई से उनको उठाया बार बार, हमने आरक्षण दिया 1%, फिर 5% दिया, आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके, गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है फायरिंग में मारे गए 72 लोग, मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी, फिर भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसमें सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 में आए थे हमारे मिशन 156, वही मैं लेके चल रहा हूं इस बार भी। अब हम कहां तक जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, काम हमने जो किए हैं, परफॉर्म हमने दी है, गांधी हमने दी है, इम्प्लीमेंट किया बजट हमने 90% 96% हमारा मैनिफेस्टो हमने
इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे यकीन है इस बार जनता जो है, और रिपीट नहीं करने के क्या नुकसान होते हैं वो मैं बता चुका, कई बार मेट्रो का, रिफाइनरी का, कई योजना बंद कर दिया हमारी, लंबी लिस्ट है वो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार एक बार केरल की तरह, वहां 70 साल में बार बार एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार दलित गठबंधन की सरकार बनती गई है, इस बार रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है, अवश्य होगी, जनता का मूड बना दिया। धन्यवाद। अब तीन के बाद ही क्वेश्चन देना यार, पूछना कर रहे हैं। गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे पूरा यकीन है गुर्जर समाज भी समझदार है। अगर 72 गुर्जर मारे गए थे फिर भी आरक्षण नहीं मिला, और हमने लाठीचार भी नहीं किया और आरक्षण दे दिया उनको, सैकड़ों बच्चे उनके नौकरी में जा रहे हैं, जिनके घरों में नौकरी लग रही है उनको जाकर पूछिए क्या स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या अप्रोच है। भड़काना अलग बात है, देखिए भड़काना मुझे मालूम भड़का रहे हैं कई कारणों से भड़काने के, पर जब लाठीचार्ज नहीं किया हमने, एक आज आप बताइए बहुत गुजर किससे कहते भाई, और हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ, पांच मिनट एक्शन हमने दिया उनको, कोर्ट में लूज हो गए तो वापिस हमने आरक्षण दे दिया उनको, अब केस चल रहा अभी तक भी, तो हम तो उनके पैरों का बने हुए हैं, अब फिर भी वही भड़का है उनको तो अलग बात है। मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से केरल गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी, कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा, करके दिखा दिया, अच्छा इलाज किया, कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं राजस्थान के अंदर, शानदार काम हुआ। उसके बाद में जो हमने कानून पास किए हैं, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे, जो हमने स्कीम लेके आए हम लोग, आज राजस्थान आजादी के बाद में पहली बार देश के राज्यों में चर्चा में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? अन्य राज्य सरकारें अधिकारियों को भेजती है पूछने के लिए, आपने ओपीएस लागू कैसे किया, आपकी चीनी योजना के बैकग्राउंड में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी, आप सोच सकते हैं 6-7 राज्यों के लोग तो आ चुके हैं, तो हमारी स्कीमें भी शानदार है, हमारी परफॉर्मेंस भी शानदार है 5 साल की, और मैं समझता हूँ उनको तकलीफ ये की है हॉर्स ट्रेडिंग करने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरा पाए, वो तकलीफ उनको दुख दे रही है, इसलिए आग लगी हुई उनके दिलों के अंदर, वो आग बार बार जो उछलती है, और वो धावा बोलते हैं राजस्थान पे, बोलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, बोलते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम को तो तंग कर रखा है पिछले 8 महीने से, वहां तो ईडी वहां में मकान किराए पर ले लेकर रहने लग गए वहां तो। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा आपको, फिर रिपीट करूंगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है देश की, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस पकड़ने के लिए है एजेंसी है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स है, उसकी बजाय ये जो है आज विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी बैठे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कारण से, क्या नए यहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं है इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले, उनकी तरफ नहीं सरकार गिराने में काम आ रही है ये एजेंसी है, सरकार को बनाने में काम आ रही है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा नहीं पाए, राजस्थान वासियों का आशीर्वाद था, हाईकमांड का पूरा सहयोग मुझे मिला, इस कारण से सरकार गिरी नहीं हमारे यहाँ पर, और एमएलए ने साथ दिया, अब एमएलए को सबको घोषित कर दिया करप्ट,
आप बताइए, अगर वो करप्ट होते, हाँ ठीक है मैं किसी गारंटी ले नहीं सकता, पर अगर वो करप्ट होते सब लोग, 40 दिन होटल में बैठे रहे, 10 करोड़ की पहली किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी उनकी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी, कोई गया बाहर? अगर बाहर चले जाते तो सगाई गिर जाती हमारी। धन्यवाद। आप लोग यहीं बैठे रहे, अभी एक इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग होनी है, तो आपसे आग्रह है कि थोड़ी देर 5 मिनट और बैठिएगा।